नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या बिना तलाक के दूसरी शादी हो सकती है? अगर बिना तलाक के दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कब बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कब बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों बातों के बीच में एक बहुत ही बारीक सी दरार है और सवाल इतना बड़ा है जिसपे आपके भविष्य की उज्ज्वलता निर्भर करती है। इसलिए पूरी वीडियो को देखें, इस बात को समझें कि कब बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप व्यूअर्स को बताऊंगा, बहुत से फिल्म स्टार, यहाँ तक कि बहुत से यूट्यूबर भी एक समय पे दो दो पत्नियां रखने का दावा करते हैं, या तक कि दो दो पत्नियां रखते भी हैं। तो कैसे एक समय पे ये लोग दो दो पत्नियां रख लेते हैं, और कैसे किन हालातों में एक समय पर दो दो पत्नियां रखी जा सकती हैं, शादी की जा सकती है बिना तलाक के, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। देखिए, बिना तलाक के अगर शादी करनी है तो इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे हो, ना एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है, ना ही तलाक देने को तैयार है, ना ही बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है, और दोनों में से एक पार्टनर ही बच्चों की और सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोच भी बन जाती है कि ना तो मैं साथ रह पा रहा, ना हम अलग हो पा रहे, और ना ही दूसरा पार्टनर जिम्मेदारियां उठा रहा है, तो क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। ऐसे में ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या बिना तलाक के दूसरी शादी हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी न किसी प्रेम प्रसंग में हो, तब भी ऐसी सोच बन जाती है कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ले। बहरहाल वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो हर वजह के सामने एक ही कॉमन जवाब होगा। इसलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि कब शादी हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इंसान के पास हर सवाल का जवाब खुद ब खुद होता है। अगर हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या बिना तलाक के दूसरी शादी कर लें, तो सबसे पहले आपके अंदर से ही जवाब आता है कि ये तो अपराध है। अब होता क्या है कि आपका दिमाग कुछ और कह रहा होता है और दिल कुछ और सोच रहा होता है। दिमाग कहता है कि ये अपराध है, मगर दिल सोच रहा होता है कि हो सकता है कोई रास्ता हो। अब इसलिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर दूसरी शादी बिना तलाक के कर ली तो कानून की नजर में ये कैसे अपराध होगा और कितना अपराध होगा। उसके बाद बताऊंगा कि कब आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और यूट्यूबर एक ही समय पे दो दो पत्नियां रखते हैं या रखने का दावा करते हैं, और कैसे एक ही समय पे दो दो पत्नियां रख ली जाती हैं। ये तीनों बातें बताने वाला हूं। अगर आप कानून की बात करें, अगर पहले पति या पत्नी के जीवित होते हुए आप उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये कानून की धारा 494 यानी सेक्शन 494 IPC के तहत अपराध होगा, और इस अपराध के चलते आपको 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये तो हो गई कानून की बात। इसके अलावा एक और कानून भी है, अगर आप पहली पत्नी या पति के रहते किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं और उस दूसरे व्यक्ति से ये बात छुपा लेते हैं कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा, और कानून की धारा 495 यानी सेक्शन 495 IPC के तहत अपराध होगा, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब ये तो हुई कानून की बात कि अगर ऐसा होता है तो ये एक आपराधिक मामला होगा और कितनी सजा हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताने वाला हूं कि कब आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पति या पत्नी पिछले 7 वर्षों से लापता है, पिछले 7 वर्षों से गायब है, और उसकी किसी को भी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसके रिश्तेदारों को कोई जानकारी है, ना उसके जानकारों को किसी को जानकारी है, और ना ही आपको इस बात की जानकारी है कि आपका पति या पत्नी पिछले 7 सालों से कहाँ है, जीवित है भी या नहीं, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पति या पत्नी दोनों में से किसी का भी देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, तो ऐसे में भी आप उससे बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं। ये दो कंडीशन है जहां पे आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी को कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज
कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक ही समय पर दो दो पत्नियां रखते हैं, एक ही समय पर दो दो पत्नियां रखने का दावा करते हैं। बताने वाला हूं किन किन कंडीशन में एक ही समय पर दो दो पत्नियां रखी जा सकती हैं और लोग रखते भी हैं। देखिए कानूनी तौर पर तो आप एक समय पे दो पत्नियां रख ही नहीं सकते, बिना तलाक के दो पत्नी नहीं रख सकते। ये कल भी गैर कानूनी था, आज भी गैर कानूनी ही है, आपराधिक मामला है। लेकिन फिर भी कैसे लोग एक समय पे दो पत्नियां रखते हैं, ये बात डिपेंड करती है पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर, यानी दोनों के बीच में साझेदारी और समझदारी पर, और डिपेंड करती है कि जिस दूसरे व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फेथफुल हो, भरोसेमंद हो और भरोसे का व्यक्ति हो। अगर पहली पत्नी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगी या कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराएगी तो आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलेगा, भले ही आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है और पति अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कराता तो उसके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। इसके अलावा जिस दूसरे व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपने शादी के समय ये साफ साफ बता दिया हो कि आप पहले से शादीशुदा हैं, ये बात अगर आपने उस व्यक्ति से नहीं छुपाई, आपने शादी के समय उस व्यक्ति को ये बात बता दी थी कि आप पहले से शादीशुदा हैं और ये बात जानते हुए भी उस व्यक्ति ने आपके साथ दूसरी शादी की, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप आपराधिक मामले से बच जाएंगे। आपके ऊपर इस बात का कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा कि आपने पहली शादी को छुपाकर झूठ बोलकर किसी व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। इसके अलावा दोनों पत्नियों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, साझेदारी हो जाती है, समझ लेते हैं इस बात को कि दोनों को एक दूसरे से कोई आपत्ति ही नहीं है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं करना चाहते, तो ऐसे में भी आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। ये सारी बात के दो पत्नियां एक समय पे कैसे रख लेते हैं ये पूरी तरीके से निर्भर करती है कि अगर उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनके बीच में ये समझ आ जाती है, ये साझेदारी बैठ जाती है कि एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेंगे और एक दूसरे से दोनों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती, तभी एक समय पर दो पत्नियां रखी जा सकती हैं या बिना तलाक के दो शादी की जा सकती हैं। इसके अलावा बिना तलाक के दो शादियां करना मुमकिन नहीं है, वो आपराधिक मामला है, इलीगल है, और बिना तलाक के दो शादी करने पर भी अपराध मानकर उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। इसलिए जब भी बिना तलाक के दो शादी करने की सोचें तो बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें, ये भी देख लें कि जिससे आप दूसरी शादी करना चाहते हैं वो फेथफुल है या नहीं, भरोसे के लायक है नहीं, और सारी बातों को ध्यान में रख के ही ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि जो कदम गैर कानूनी है, जो कदम इलीगल है, वो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में नुकसान दे सकता है। दोस्तों बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हकीकत से रूबरू कराने की और जमीनी सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश की गई है। जो भी फैसला लें सोच समझ के लें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से आपको मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।